हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली डेकोर। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसे मैंने अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज किया है और वो चीज़ें भी जो हम ट्रैवल पे जाते हैं तो कैसे अपनी ज्वेलरी को कैरी कर सकते हैं, तो वो मैं आपके साथ टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मेरे कुछ ऑर्गेनाइजर्स रखे हुए हैं जिसमें अपनी ज्वेलरी को मैंने ऑर्गेनाइज किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैं आपको एक एक से बताऊंगी कि कैसे कैसे मैंने अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज किया है। सबसे पहले तो बात करते हैं हम इस वाले ज्वेलरी बॉक्स का। ये ज्वेलरी बॉक्स काफ़ी पुराना है, ये मैं इंडिया से लेकर आई थी। और ये ज्वेलरी बॉक्स का ऐसा होता है कि नॉर्मली इंडिया में मेरे ख्याल से तो हर घर में होता ही होता है, क्योंकि ये जब भी शादी वगैरह होती है तो अपने पेरेंट्स देते हैं साथ में। तो ये भी एक वही ज्वेलरी बॉक्स है, लेकिन मैं इसमें पहले तो अपना गोल्ड की ज्वेलरी रखती थी, लेकिन अब मैं गोल्ड घर पे नहीं रखती हूँ, तो इस वजह से फिलहाल तो ये इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँगी कि इसमें आप किस तरह से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें ये सेक्शंस होते हैं जो कुछ इस तरह से खुलते हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें ज्वेलरी ऑर्गेनाइज करना काफ़ी इजी हो जाता है, आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों को अलग अलग सेक्शंस में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने कुछ ये जो होते हैं मंगलसूत्र, क्या कहते हैं इसको, हाँ पता नहीं, कुछ तो कहते हैं मंगलसूत्र ही कहते हैं। तो ये मैंने इसमें रखा हुआ है। और यहाँ पर मैंने रखा हुआ है अपने छोटे छोटे कान के टॉप्स वगैरह जो कुछ इस तरह के हैं, क्योंकि अब मैं इसमें नहीं रखती हूँ, तो सिर्फ मैंने ये वीडियो के लिए इसमें कुछ चीज़ें डाल के रखी हुई है। नॉर्मली ये दूसरे उसमें होती है, तो मैंने सिर्फ ये इस वीडियो के लिए। तो यहाँ पर मैंने रखे हैं कुछ कान के छोटे छोटे से टॉप्स जो आप अलग अलग अगर रखेंगे तो आपको मिलने में आसानी होगी। और यहाँ पर है ये जो कुछ सेट्स हैं मेरे, जो जिसके साथ पेंडेंट है और कुछ इस तरह के टॉप्स है, तो मैंने ये दोनों को लगा के रखा हुआ है क्योंकि ये लॉस ना हो जाए। तो ये दो को इस तरह से, तो इसके साथ ये पेंडेंट है। तो अगर आप ये चीज़ों को सेपरेट सेपरेट रखेंगे तो आपको पहनने के लिए भी आसानी होगी और ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ इस तरह से। तो ये मेरे तीन सेट्स है छोटे छोटे, तो ये अगर आप इस तरह से अलग अलग रखेंगे तो फिर आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मेरा एक और मंगलसूत्र रखा हुआ है जो शादी में आया था, तो वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। और ये है मेरी चेन जो मैं पहनती हूँ, जो ज़्यादा यूज़ में आती है, लेकिन ये बहुत जल्दी एक दूसरों से मिक्स हो जाती है, तो फिर मैंने इसको इस तरह से रखा हुआ है। मैं आपको इसको निकाल के बताती हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको स्ट्रॉस के साथ इसको इस तरह से डाल के रखा हुआ है, इसकी वजह से ये एक दूसरों के साथ उलझते नहीं है और आपको जब पहनना हो तो फिर ये इजीली आपको मिल जाते हैं। वरना तो ये होता है, ये है कि एक दूसरों के साथ उलझ के तो फिर पहनते समय आपको फिर उसको लूज़ करने में ही काफ़ी टाइम चले जाता है। तो फिर मैं इसको इस तरह से अलग अलग करके एक स्ट्रॉक के मदद से इनको सेपरेट करके रखती हूँ, जब मुझे पहनना हो तो फिर मुझे कोई परेशानी नहीं हो। तो ये भी बहुत अच्छी टिप है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें कि अगर आप इसको स्ट्रॉ के साथ अगर आपको डाल के रखेंगे तो आपको पहनने में भी इजी होगा। और यहाँ पर आप अपने अपने बैंगल्स को लगा के रख सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छे इजी चीज़ है। अगर आपके पास इतना एक ज्वेलरी बॉक्स है तो आप अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। लेकिन अब आजकल पता नहीं, मुझे पता है नहीं कि ये अभी तक आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये तो मेरा काफ़ी पुराना है, लेकिन ये मुझे हमेशा खोलने में और निकाल के पहनने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, क्योंकि ये मुझे ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ही रखना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं कहीं अंदर रखूँ इसको, ड्रेसिंग टेबल के अंदर रखूँ, तो फिर हर बार मुझे इसको निकाल के और वापस उसको बंद करके रखने में मुश्किल हो रही थी। तो फिर मैंने एक दूसरा सिस्टम अपने लिए बनाया जो मुझे ईजी होता है, तो वो सिस्टम कुछ इस तरह से है। ये मैं अपने ड्रेसिंग टेबल में रखती हूँ, मैं ड्रेसिंग टेबल के इस सेक्शन में इसको रखती हूँ, तो फिर मुझे ग्रैब करने के लिए काफ़ी इजी होता है, तो इसमें मुझे ज़्यादा आसानी हो रही है, तो फिर मैंने उसको चेंज कर दिया।
अब मैं आपको बताऊंगी इसमें मैंने किस तरह से अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज किया है। ये बेसिकली मेरे नॉर्मल पहनने में, जो मैं अगर कहीं बाहर जाती हूँ तब पहनने में मेरे लिए काफ़ी ईजी होता है। ये ऑर्गेनाइज़र इकिया का है और इसमें के जो ऑर्गेनाइज़र है ये अलग अलग जगहों से हैं। तो ये वाले जो ऑर्गेनाइज़र्स है ये मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाए थे जब मैं इंडिया जा रही थी। ये बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली है, आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो इस वाले ज्वेलरी बॉक्सेस को आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी ज्वेलरी आती है और बहुत इजीली आप इसको कैरी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे से सेक्शंस बने हुए हैं और आप इस सेक्शंस को अलग भी कर सकते हैं इजीली। ये सेक्शन बड़ा हो जाता है और फिर उसको फिर आप इजीली छोटा भी कर सकते हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर मैं सब छोटी छोटी जो अपनी ज्वेलरी है वो मैं इस तरह से इसको ऑर्गेनाइज करके मैंने रखा हुआ है। जो यहाँ पर है जो जितने भी हार्ट शेप की जो भी ज्वेलरी है वो इस तरह की मैंने इस सेक्शन में रखे हुए हैं। और ये मैंने जो अभी आपको बताया था दूसरे ज्वेलरी बॉक्स में जो जो मेरे सेट्स है वो मैं अलग इस सेक्शन में मैंने रखे हुए हैं। और जो ब्लैक कलर की हैं यहाँ पर हैं और जो मेरे मंगलसूत्र है वो यहाँ पर है। तो ये बहुत ट्रैवल फ्रेंडली है और आपको ट्रैवल करते टाइम पे इससे बहुत आसानी होती है। इसी तरह ये दूसरा भी बॉक्स है तो आप देख सकते हैं, सॉरी, ये भी इसी तरह से है। तो फिर जो जो इयररिंग्स बड़े हैं मैंने उसके लिए ये सेक्शन को बड़ा कर दिया है। यहाँ पर आप बड़े वाले इयररिंग्स को भी रख सकते हैं। ये लास्ट टाइम जब मैं इंडिया जा रही थी जब मैंने इसको अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किया था। और ये बहुत इजी होता है कि आप अपनी ज्वेलरी को ट्रैवल करते वक्त इस तरह के अगर आप जो ऑर्गेनाइज़र ले तो आपको बहुत आसानी। और यहाँ पर मैंने एक और बॉक्स रखा हुआ है, उसके साथ ही एक और ऑर्गेनाइज़र है। ये जितनी भी ज्वेलरी देख रहे हैं ये पिछले 15-16 साल की है। तो ये मेरे पास काफ़ी ज्वेलरी है क्योंकि इंडिया भी जाते आते रहते हैं तो ज्वेलरी हमेशा कुछ ना कुछ हम लेते ही रहते हैं। उतने सालों की ज्वेलरी है तो ये बहुत ज़्यादा ज्वेलरी है मेरे पास। तो ये सेम उसी तरह है जो मैंने पहले बताया था लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है। तो इसमें कुछ जो बड़े वाले इयररिंग्स होते हैं तो वो रखने में ईजी होता है। तो उस तरह से मैंने ये सारी चीज़ों को सेपरेट करके रखा हुआ है, अलग अलग सेक्शंस बना के इसको ज्वेलरी को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जो मेरे रोज़ के यूज़ में भी मुझे इजीली ग्रैब करने के लिए इजी होता है और ट्रैवल के लिए भी बहुत इजी है। यहाँ पर एक और बॉक्स है जिसमें मैंने वही अपनी सारी नेकलेसेस को अलग से स्ट्रॉ में डाल के रखा हुआ है। यहाँ पर इसमें कुछ मेरी छोटी बेटी के कुछ इयररिंग्स है। तो ये जो दो भी बॉक्सेस है सिर्फ उसी के हैं तो उसी की है। और ये मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ अगर मुझे कोई चीज़ लेके जानी होती है तो फिर मैं इसमें डाल के लेके जाती हूँ, वो उसके लिए है। इसमें मैंने रखा हुआ है अपना एक ब्रेसलेट तो ये इसी बॉक्स में आया था क्योंकि ये ख़राब हो सकता है तो फिर मैंने इसको इसी में किया। ये एक और ज्वेलरी बॉक्स है तो यहाँ पर मैंने वो वाले इयररिंग्स रखे हुए जो काफ़ी बड़े हैं और उसमें भी नहीं आएंगे तो फिर मैंने इसके लिए ये बड़ा सा ज्वेलरी बॉक्स मैंने लिया हुआ है। लेकिन ये सिर्फ घर में जब भी मुझे कहीं बाहर जाना हो पार्टीज़ वगैरह में तो ही मैं इसमें रख सकती हूँ क्योंकि ये ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है, आप उसको लेकर नहीं जा सकते। लेकिन हाँ इसमें घर में रखने के लिए आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। जो छोटे बॉक्स में नहीं आती है जो बड़ी बड़ी वाली चीज़ें हैं वो इसमें रख सकते हैं। तो इस तरह के आप बॉक्सेस ले जिसमें आपको ऑर्गेनाइज करने के लिए भी आसानी हो, जो छोटी चीज़ें भी आप ऑर्गेनाइज कर सकें और बड़ी चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज करें। एक और ऑर्गेनाइज़र मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो वो भी काफ़ी ईजी है, आपको जगह ज़्यादा नहीं लगती, आप अपने कबर्ड में भी रख सकते हैं। तो वो मैं आपको अभी शो कर दूँ। ये और एक और ऑर्गेनाइज़र आप इसमें देख सकते हैं, इसमें अलग अलग पॉकेट्स बनी हुई हैं तो इसमें आप इजीली अपनी ज्वेलरी को सेपरेट कर सकते हैं।
जो बड़े बड़े वाले हैं उसको अलग से रख सकते हैं, जो छोटे हैं उसको कलर वाइज आप अलग अलग से रख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे गोल्डन कलर के हैं, तो फिर मैंने इसको एक साथ रखा हुआ है। कुछ इस तरह की है जो ये बॉक्स में नहीं आती है, जो बड़ी होती है, तो अगर आप उसमें बॉक्स में रखेंगे तो ये फिर टूट जाएंगी या फिर बेंड हो जाएंगे, तो फिर वो मैंने उसके लिए यहाँ पर रखा हुआ है। कुछ कुछ इस तरह के हैं जो टेसल वाले हैं, यहाँ पर है जो ऐसे ऑर्गेनाइज करें कि आप एक हर चीज़ का एक सेक्शन बनाए अलग अलग तरह से। जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये सारे मेरे ब्रेसलेट्स हैं, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग कलर्स में ये सारे ब्रेसलेट हैं। तो वो मुझे इजी होता है कि अगर मैं तैयार हूँ तो फिर मुझे पता होता है हाँ मेरे सारे ब्रेसलेट्स इसमें हैं, तो फिर मुझे इजी होता है। इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स आपको अमेज़ॉन पे आसानी से मिल जाएंगे। अगर मुझे लिंक मिलती है तो फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप उसमें चेक कर लें। अब मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप अपने रिंग्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये दो बॉक्सेस है, तो ये बॉक्सेस एक्चुअली में तो कह सकते हैं स्टोरेज बॉक्सेस है, तो इसको मैंने अपनी रिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए इसको बनाया है। इसके साथ मैंने DIY किया था, तो ये मैंने एक स्पंज का पीस लेके उसको काट के फिर मैंने इसको बनाया है, जो मुझे इजी होता है कि अपनी रिंग्स को ऑर्गेनाइज करने में। और आपको फिर हर दफ़ा ढूंढना भी नहीं पड़ता, और आप अच्छे से देख सकती है आपके पास क्या क्या रिंग्स हैं, और पहनने में भी बहुत आसानी होती। इसी तरह से मैंने दो बनाए थे, ये जो ज़्यादा कलरफुल है या बड़े हैं जो नॉर्मली समर में यूज़ होते हैं, तो फिर मैंने इसको सेपरेट रखा हुआ है ये वालों को, और ये जो मेरे गोल्ड के हैं जो ज्वेलरी के साथ जाते हैं, तो जो नॉर्मल में मुझे ज़्यादा पहनने में आती है, तो ये मैंने अलग से सेपरेट करके रखा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ों को आप अपने घर में ही बना के यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपेंसिव ऑर्गेनाइजर ही ख़रीदें, तो आप अपने हिसाब से घर में भी इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये भी कुछ और एक ऑर्गेनाइजर्स है। ये तीन का मैंने सेट लिया था। इस वाले में तो मैं अपना मेकअप सारा कैरी करती हूँ एवरीडे के लिए। अगर मैं कहीं ट्रैवल भी करती हूँ तो उसी के साथ मैं अपना मेकअप लेकर जाती हूँ। और इस वाले बैग में आप रख सकते हैं अपने ब्रश वगैरह, कॉम या फिर आपकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं आप इस वाले में रख सकते हैं। तो क्योंकि ये ज्वेलरी का है, तो फिर मैं आपको बता दूँ कि ज्वेलरी के लिए मैं इस तरह से इसको यूज़ करती हूँ। जो मैं अपनी ज्वेलरी बॉक्सेस होते हैं वो मैं इस वाले बैग में डाल के इस तरह से लेके जाती हूँ, जो मेरे लिए बहुत इजी होता है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स आपको अमेज़ॉन पे बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना मेकअप रख सकते हैं, और इन वाले बॉक्स में आप अपने नेकलेसेस वगैरह, इन वाले पॉकेट्स में अपने आप नेकलेसेस वगैरह सेपरेट से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या तो फिर आप इस तरह के बॉक्स ले लें और इसको ऑर्गेनाइज करें, तो ये भी बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। तो आप इस तरह की चीज़ों को भी ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ट्रैवल के लिए ऑर्गेनाइजर्स है। तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजर्स है जो आप अपने ट्रैवल के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक ऑर्गेनाइज़र है जो आप ट्रैवल के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप अपने रिंग्स और अपने इसमें यहाँ पर एयर रिंग्स वगैरह जो आप अपने साथ लेकर जाना चाह रहे हैं उसको इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छे से है, लेकिन फिर भी मुझे कभी कभी लगता है कि इसको यूज़ करने में मुश्किल होती है, क्योंकि ये ऐसे बॉक्स की तरह है, तो फिर उसको कैरी करने में मुश्किल होती है। तो फिर ये वाला ऑर्गेनाइज़र मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। आप इसको देख सकते हैं कि इसकी को रखने में ज़्यादा जगह भी नहीं लगती, और आप अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ज़्यादातर मैं इसमें अपने गोल्ड की चीज़ें ऑर्गेनाइज करती हूँ। इसमें आप अपने रिंग्स लगा सकते हैं, और ये सेपरेट यहाँ पर जिप्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आप अपनी सेपरेट ज्वेलरी अलग अलग से रख सकते हैं। तो ये सेपरेट यहाँ पर बने हुए हैं सारे, आप इसमें अच्छे से अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये मेरे पास दो ऑर्गेनाइज़र हैं, लेकिन मैंने इसको यूज़ किया हुआ है, तो ये मुझे उतना फ्रेंडली नहीं लगा है, ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है। ये काफ़ी आपके लिए इजी होगा, तो आप इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स को यूज़ करें जब भी आप ट्रैवल करें। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये भी मैंने यूज़ किया हुआ है, तो मुझे ये भी काफ़ी हेल्प हुई थी जब मैं इंडिया गई थी। तो इस तरह से, और ये जो बॉक्स देख रहे हैं आप, नॉर्मली अगर आप कहीं जाते हैं
जैसे अक्सर हम लोग जाते हैं जर्मनी जाते हैं बेल्जियम जाते हैं, हमारी वहाँ पर फैमिली है, तो अगर हम एक दो दिन के लिए जाओ तो फिर इसमें मैं अपनी ज्वेलरी को लेकर जाती हूँ। जो कुछ दो इयररिंग्स हो गए या फिर थोड़े से रिंग्स हो गए, ये इजीली आप इसको कैरी कर सकते हैं। और एक ऑर्गेनाइज़र यहाँ पर और भी हैं जो आप अपने डेलिकेट चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जब आप ट्रैवल में जा रहे हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स आपको इंडिया में ज्वेलरी शॉप पे काफ़ी मिलते हैं। ये तो मैं ये भी इंडिया से लेकर आई थी। अगर आपको कोई डेलिकेट चीज़ों को कैरी करना है तो आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया अपने ट्रैवल के। तो अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आता है और इससे आपको कुछ मदद मिलती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और पिछले दो हफ्तों से मैंने कोई वीडियो शेयर नहीं की थी क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मैं काम भी करती हूँ, तो काम के साथ थोड़ा मुझे मैनेज करने भी मुश्किल हो रही थी। तो मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।